बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। पीएमडी पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, आपको पता है 2-3 माह पहले सीट्स आई थी और एग्ज़ाम का शेड्यूल अनाउंस हो चुका है। 15, 16 और 17 जुलाई को जो है पेपर्स हैं, आपने वेबसाइट से चेक कर ही लिया होगा। 15, 16 और 17 जुलाई को पेपर होने जा रहे हैं। मेरे पास LDC का पेपर है, ये टोटल 70 नंबर का पेपर है और 70 मिनट्स हैं इसको सॉल्व करने के लिए। इसके अंदर 5 पोर्शंस हैं, इंग्लिश, इस्लामिक स्टडीज़, पाकिस्तान अफेयर्स, जनरल नॉलेज और जॉब रिलेटेड, ये 5 पोर्शंस हैं। 14 क्वेश्चन हर एक पोर्शंस के हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, आर सर टीचेस मैथमेटिक्स डैश इंग्लिश। तो ऑप्शंस हैं अक्रॉस, बी साइड्स, बी साइड या बोथ। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट बनता है, बी साइड्स, BESIDES, बी साइड्स। आर सर टीचेस मैथमेटिक्स बी साइड्स इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे हैव पेंटेड देयर हाउस। तो यहाँ पेंटेड को उसने अंडरलाइन किया, तो पेंटेड यहाँ पे क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। ऑप्शन के अंदर उसने ट्रांजिटिव भी दिया, इंट्रांजिटिव भी दिया है, कम्प्लेक्स ट्रांजिटिव भी दिया है या एडवर्ब भी दिया है। तो ये सिंपल ट्रांजिटिव या मोनो ट्रांजिटिव वर्ब है, ए ऑप्शन राइट आ जाएगा इसके ऊपर, ट्रांजिटिव मोनो ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईच ऑफ द बॉयज़ गेट्स द प्राइज। तो ईच को उसने अंडरलाइन किया हुआ, तो ईच जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, सी ऑप्शन राइट आ जाएगा। 12 इंचज मेक अफोर्ड, तो यहाँ पे ए को जो है उसने अंडरलाइन किया हुआ, ए जो है वो आपको पता है ANDE ये आर्टिकल होते हैं, तो ए किस तरह का आर्टिकल है ये आपने बताना है, ए जो है वो इनडेफिनेट आर्टिकल है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू मस्ट रिस्पेक्ट योर टीचर्स। तो इसकी वॉइस चेंज करनी है, एक्टिव है तो पैसिव में करना है, पैसिव है तो एक्टिव में करना है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आ जाएगा, योर टीचर्स मस्ट बी रिस्पेक्टेड बाय यू, सी ऑप्शन राइट आ जाएगा। हु टॉट यू साइंस, तो इसकी वॉइस चेंज करनी है, तो ये आ जाएगा, बाय होम वॉज साइंस टॉट टू यू, ए ऑप्शन राइट आ जाएगा। बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है वेरी क्विकली, दिन दुगनी रात चुगनी जैसे कहा जाता है मुहावरे के अंदर, तो ए ऑप्शन राइट आ जाएगा। He kept me waiting, तो इसकी वॉइस जब चेंज करेंगे तो इसका मेरे हिसाब से आ जाएगा, I was waiting for him, he kept me waiting, तो D ऑप्शन राइट आ जाएगा, I was waiting for him, मेरे हिसाब से ये ठीक है, बहरहाल इसको कंफर्म कर लीजिएगा। नेक्स्ट पे 9वां क्वेश्चन है, एंटोनिम ऑफ meticulous, METICULOUS शायद इस तरह से है, तो इसका एंटोनिम बनता है स्लोपी, डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई वॉज सरप्राइज टू सी दैट ही हैड बीन badly beaten, तो मेरे हिसाब से होना चाहिए, it was surprising that he had been beaten badly, C option मेरे हिसाब से ठीक होना चाहिए, बहरहाल इसको देखिएगा एक मरतबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसिम has been fully cured dash the chronic disease of his legs, तो यहाँ पे cured of आ जाएगा, C option right हो जाएगा, cured of his chronic disease। antonym of word है famous, famous का antonym आ जाएगा notorious, बदनाम। The synonym of catastrophic, catastrophic का synonym आ जाएगा disaster, C option right हो जाएगा। Were you dash time for your meeting or were you too early, तो यहाँ पे on time आ जाएगा, were you on time, क्या वक्त पर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, consensus of opinion stands for, consensus of opinion को इस्लाम में इजमा कहा जाता है, सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाएं, प्रॉफिट मोहम्मद पीस पे अपॉन हिम हैड डैश सन, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे थे, 4 बेटियां थी, 3 बेटे थे। ऑब्लिगेशन इन इस्लाम आर कॉल्ड, तो ऑब्लिगेशन को बोला जाता है फ़र्ज, ए ऑप्शन इज राइट। इन हज टचिंग द ब्लैक स्टोन इज कॉल्ड, तो ब्लैक स्टोन को टच करना, हजरे असवद को टच करना, उसे इस्तलाम कहा जाता है। अलहुदैबिया ट्रीटी वॉज क्राइड बाय, तो अलहुदैबिया ट्रीटी जो है हज़रत अली ने तहरीर की थी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। प्रॉफिट मोहम्मद पीस पी ऑन हिम हैड डैश डॉटर्स, तो 4 बेटियां थी जो कि हमने बात कर ली, सबको पता ही होगा। केव हीरा इज़ इन द डैश माउंटेन, तो गारे हीरा जो है वो अन्नूर माउंटेन्स के अंदर है, डी ऑप्शन राइट है। इन हज ट्रैवलिंग 7 टाइम्स बिटवीन माउंट सफ़ा एंड माउंट मरवा इज कॉल्ड, तो उसे सही कहा जाता है, बी ऑप्शन इज राइट। फॉर डैश ईयर्स हलीमा सादिया टुक केयर ऑफ प्रॉफिट पीस पी अपॉन हिम, तो 6 साल तक उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने पास रखा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। हज़रत डैश प्रपोज्ड अजान फॉर द फर्स्ट टाइम, तो पहली मरतबा अजान प्रपोज की हज़रत उमर ने, और दी किसने, हज़रत बिलाल ने। नेक्स्ट फिर इस तरफ आ जाएं क्वेश्चंस की तरफ, ये क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लिटरल मीनिंग, आगे पिक्चर के अंदर पूरा नहीं है कि किस वर्ड का मीनिंग पूछा गया, तो यहाँ पे कुछ कहा नहीं जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच तकबीर्स आर रिसाइटेड बाय मौजन इन अजान, तो अजान में 6 तकबीरें होती हैं, बी ऑप्शन इज राइट। व्हेन 5 प्रेयर्स बिकम फर्ज, तो 5 नमाजें जो है वो 10 नबवी में फर्ज हुई, बी ऑप्शन इज राइट। इन विच
हिजरी ईयर ज़कात वाज इम्पोज, ज़कात जो है वो 2 हिजरी में इम्पोज हुई, और अगर आपसे पूछा जाए फ़र्ज़ कब हुई तो फ़र्ज़ 8 हिजरी में हुई, बिकेम ऑब्लिगेटरी इन 8 हिजरी। कैपिटल ऑफ ब्रसल्स, बेल्जियम, बेल्जियम का कैपिटल आ जाएगा ब्रसल्स, डी ऑप्शन इज़ राइट। लार्जेस्ट कंट्री इन साउथ अमेरिका, तो साउथ अमेरिका में सबसे बड़ा मुल्क है ब्राज़ील, बी ऑप्शन इज़ राइट। विच कंट्री इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी, तो सबसे ज़्यादा कॉफ़ी ब्राज़ील प्रोड्यूस करता है, बी ऑप्शन इज़ राइट। अ मोबाइल फ़ोन सेंड्स द एंड रिसीव्स मैसेजेस थ्रू रेडियो वेव्स, डी ऑप्शन इज़ राइट। विच ऑफ़ द फॉलोइंग वाइटमिन इज़ प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन बॉडी विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, तो सनलाइट से मिलता है वाइटमिन डी, ए ऑप्शन इज़ राइट। व्हेन डिड तालिबान ऑफिशियली टुक ओवर अफगानिस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली मरतबा तालिबान की हुकूमत आई 1996 में, सी ऑप्शन इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएँ, तो यहाँ पे ये पिक्चर के अंदर क्लियर नहीं है, लेकिन जो मैं पढ़ पाया हूँ ये स्पेनिश फ्लू का जिक्र है। स्पेनिश फ्लू इन्फेक्ट मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड यूरोप इन, तो स्पेनिश फ्लू आया था 1918 में, 1918 में वर्ल्ड वार 1 के दौरान, बी ऑप्शन इज़ राइट। गोबी डेजर्ट इज़ इन मंगोलिया एंड चाइना, ए ऑप्शन इज़ राइट। एवरीबडी नोज ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चाइनीज इरेक्टेड दिस वॉल एज अ डिफेंस अगेंस्ट मंगोल्स, डी ऑप्शन इज़ राइट। विच कंट्री इज़ नोन एज लैंड ऑफ राइजिंग सन, तो जापान को कहा जाता है लैंड ऑफ राइजिंग सन। अमंग दीज साक कंट्रीज़ विच इज़ नॉट लैंड लॉक्ड, तो इनमें भूटान और नेपाल जो हैं वो लैंड लॉक्ड हैं, श्रीलंका लैंड लॉक नहीं है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। विच इज़ द थिनेस्ट अर्थ लेयर, तो इसको आप गूगल करें तो आपको बताएगा क्रस्ट, सी ऑप्शन इज़ राइट। The President of the First Constituent Assembly of Pakistan, पाकिस्तान की पहली कानून साज असम्बली के सदर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना थे, ए ऑप्शन इज़ राइट। हु प्रोमलगेटेड द 18th अमेंडमेंट इन द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, तो 18वीं तरमीम 2010 में हुई आसिफ अली जरदारी जब सदर थे, सी ऑप्शन इज़ राइट। हु कम्पोज द वर्सेज ऑफ नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान, तो हफीज़ जलंधरी जो है वो राइट ऑप्शन बनता है, ए ऑप्शन इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाएँ आप, 44th क्वेश्चन है, व्हेन डिड पाकिस्तान कंडक्ट इट्स फर्स्ट सीरीज ऑफ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, तो पाकिस्तान ने मई 1998 के अंदर जो है ये किए थे, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उर्दू वाज डिक्लेयर्ड द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान, तो उर्दू को कौमी जबान डिक्लेयर किया गया अप्रैल 1954 में, सी ऑप्शन राइट है। द एरिया कवर्ड बाई फॉरेस्ट इन पाकिस्तान, वैसे गूगल तो 2.2 बताता है लेकिन मेरे ख्याल से 2 से 5 की रेंज है, तो इसमें 2 to 3 है या 6 to 7 है या 4 to 5 है, तो राइट ऑप्शन मुनासिब देख लीजिएगा, लेकिन मेरे हिसाब से डी ऑप्शन मुनासिब है, 4 to 5%। इन पाकिस्तान मानसून सीज़न, पाकिस्तान में मानसून सीज़न जो है वो जुलाई से सितंबर के दौरान होता है, डी ऑप्शन राइट है। M1 मोटरवे जो है वो पेशावर और इस्लामाबाद के दरमियान है, ए ऑप्शन राइट है। फिर आ जाते हैं दुबई इज़ लोकेटेड इन विच कॉन्टीनेंट, तो दुबई जो है मिडल ईस्ट तो कोई कॉन्टीनेंट है ही नहीं, अफ्रीका और यूरोप के अंदर तो आता नहीं, तो दुबई जो है वो एशिया के अंदर आता है, सी ऑप्शन राइट है। व्हेन डिड कायदे आजम डाइड, तो कायदे आजम की वफ़ात हुई 11 सितंबर 1948 को। एन विच ईयर ओजरी कैंप इंसिडेंट अकर्ड, तो वो 1988 का है, सी ऑप्शन राइट है। मोहनजोदाड़ो एंड हरप्पा वर डिस्कवर्ड इन, तो मोहनजोदाड़ो हरप्पा जो है वो 1921 है इसकी डिस्कवरी का ईयर, तो 1920s आप राइट ऑप्शन कह सकते हैं। हाइट ऑफ मीनार पाकिस्तान इज 70, ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए, हाईएस्ट पीक ऑफ हिंदूकश माउंटेन रेंज, पाकिस्तान में जो मशहूर माउंटेन रेंज है वो हिमालय है, कराकरम है और हिंदूकश है, तो हिंदूकश की जो सबसे ऊंची चोटी है वो त्रिचमीर है, डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट फिर जॉब रिलेटेड क्वेश्चन है, उसमें है ऑल न्यू फाइल्स शुड बी गिवन अ फाइल नंबर बाय, तो उसको फाइल नंबर देता है असिस्टेंट, डी ऑप्शन इज राइट। देयर शैल बी डैश प्रायोरिटी लेबल्स ऑन फाइल, तो फाइल के ऊपर 3 प्रायोरिटी लेबल्स होते हैं, बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल कम्युनिकेशन शैल बी रिसीव्ड इन अ सेपरेट सेक्शन नोन, तो ये सेक्रेटेरिएट इंस्ट्रक्शन के मैनुअल के अंदर लिखा हुआ है, मुझे इसका राइट ऑप्शन पता नहीं है, फिलहाल मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसीट्स एड्रेस टू एन ऑफिसर बाय नेम शुड बी रिसीव्ड बाय, तो उसको जिस ऑफिसर के अगर स्पेसिफिकली नाम से आई है तो उसको ऑफिसर हिमसेल्फ वो खुद से रिसीव करेगा, सी ऑप्शन राइट है। देयर शैल बी डैश प्रायोरिटी लेबल, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, 3 ही है, ऊपर भी हमने देख लिया इसको, 3 प्रायोरिटी लेबल्स है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रायोरिटी लेबल्स विल बी यूज्ड फॉर
विच शुड बी डिस्पोज ऑफ विद इन प्रायोरिटी लेवल को जो है वो 3 डेज के अंदर, विद इन 3 डेज उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है. सी ऑप्शन राइट है. ऑल न्यू फाइल शुड बी गिवन, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया. असिस्टेंट जो है वो फाइल नंबर देता है. CORR.stands for, तो ये कॉरेस्पॉन्डेंस, ये आप इंस्ट्रक्शंस के मैनुअल के अंदर पढ़ेंगे तो CORR जो एब्रीवेशन है वो कॉरेस्पॉन्डेंस की है. सी ऑप्शन राइट है. DFA stands for ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल. बी ऑप्शन इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाए जी. इन ऑफिशियल कम्युनिकेशन DO stands for डेमी ऑफिशियल. बी ऑप्शन राइट है. इसके अलावा फिर ये क्वेश्चंस हैं और इस पे मेमोरेंडम इन ऑफिस प्रोसीजर इज, तो ये सारे इंस्ट्रक्शन मैनुअल के अंदर लिखे हुए हैं. ये आखिरी दो क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्विकली. इन ऑफिस प्रोसीजर परमानेंट रिकॉर्ड कैटेगरी ए में आता है. इसी तरीके से फाइल रजिस्टर, वो भी कैटेगरी ए के अंदर आता है. बाकी ये क्वेश्चन जो है वो आपने सेक्रेटरीट इंस्ट्रक्शंस का जो मैनुअल है उससे आप लोगों ने राइट आंसर आपको वहाँ से मिल जाएंगे. वो आपने एक मरतबा देख लेना है जॉब रिलेटेड पोर्शन के लिए. ये थी हमारी आज की वीडियो. उम्मीद है आपको पसंद आई होगी. मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में.